ब्लॉग्स के चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल नए आए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो एंड तक देखें। गाइस हम प्रेजेंट टाइम पे आए हैं घूमने के लिए पार्क में, आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं। जहाँ आए हैं आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे कबूतर हैं। यहाँ पे ये गार्डन है, बहुत लंबा चौड़ा गार्डन है, वहाँ बैठने के लिए बनाया हुआ है, सामने भी बैठने के लिए भी है, मीटिंग चल रही है वहाँ पे भैया लोग की। करीब ये जो ग्राउंड है इसमें आप 3 स्क्वाड की 4 स्क्वाड की टीम आराम से मैच भी खेल सकती है इसमें, और प्लस एकदम फुल एकदम शांति वाला जगह है। जब भी आप इस गार्डन में आएंगे तो आपको एकदम यहाँ शांति मिलेगी। गार्डन दिल्ली के रोहिणी इलाके में पड़ता है, और अभी मैं आया था रोहिणी घूमने आया हूँ, चांदनी चौक से रोहिणी आया घूमने। प्रेजेंट टाइम दिल्ली में हूँ, मैं घूम रहा हूँ और कुछ दिन बाद मैं यहाँ से निकल के शिमला जाने वाला हूँ, फिर शिमला से फिर मैं वापस चंडीगढ़ जाऊँगा। तो आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से पेड़ हैं यहाँ पे। और आज आपसे गाइस कुछ क्वेश्चन भी होंगे जिसका आप आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं बताइएगा। आपको आंसर कमेंट में देना है, उसका असली रियल आंसर जुड़ेगा मैं आपको सेकेंड पार्ट में बता दूँगा। तो गाइस जो भी आप हमारे वीडियो देख रहे हैं वो तो अपना कमेंट हमारे अपना जो आंसर है हमारे कमेंट सेक्शन में दें, हम आपका आपको जो हम सेकंड पार्ट में आंसर बताएंगे और आप उससे अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आपने सही आंसर दिया है, आपका जीके नॉलेज अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अलावा दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें आप देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको यहाँ आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे इतनी दिल्ली कोई नहीं है, एकदम शांति है। अंकल बैठे बाकी वहाँ पर कोई नहीं, एकदम फुल शांति है। ये एंट्री गेट है, एक वहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ दिखाता हूँ, एक इधर एंट्री गेट है, 3 एंट्री गेट है यहाँ की। तो चलिए आपको हम बताना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन और आप आंसर देना। घर पर आ गए हैं, घर पर आ गए हैं। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत शोर था, क्वेश्चन कर नहीं सकते थे, इसलिए क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनना हमारे क्वेश्चन को और उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर में जो रियल आंसर है वो मैं आपको मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं, आइए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने तैयार किया है सामान्य ज्ञान को लेकर, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, इसका आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नंबर दो की तरफ चलते हैं। नंबर दो के बाद दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए नंबर तीन पर चलते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, धामी गोलीकांड कब हुआ था, कौन से सन हुआ था, जरूर बताइए हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। चलिए नंबर फोर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। नंबर फोर क्वेश्चन हमारा जो है संविधान को लेकर, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है, इसका आंसर हमें कमेंट जरूर बताइए। और नंबर पाँच चलते हैं। नंबर पाँच हमारा जो क्वेश्चन है वो गाड़ियों को लेके है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है, जो मोटर गाड़ियों से गैस निकलती है कौन सी है, इसका आंसर जरूर बताइए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा इस चीज़ में, तो जरूर बताइए। चलिए नंबर चलते हैं नंबर छः पे। नंबर छः हमारा जो क्वेश्चन है वो है गहनों को लेकर, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है, सोने की जो शुद्धता है उसको किस में परिभाषित किया जाता है, इसका आंसर मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर भी मैं कल आपको इसी वीडियो के हिसाब से मैं पार्ट टू में दूंगा। चलिए नंबर सात चलते हैं। नंबर सात में जो क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, चांद में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इसका आंसर मुझे आप कमेंट जरूर बताइएगा।
मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और साथ में टैग करिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर दिया। अगर आपने सभी क्वेश्चन आंसर दिया है तो भी बताइए, नहीं दिया तो भी बताइएगा। चलिए नंबर चलते हैं 8 पे। नंबर 8 में हमारा जो क्वेश्चन आता है, भारत में हीरे की खान कहाँ है। भारत में हीरे की खान कहाँ है, इसका आंसर हमें कमेंट जरूर बताइए। और हम जानना भी चाहते हैं। नंबर 9 पे आती है हमारी, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए। तो इसका आंसर भी आप मुझे जरूर बताइए कमेंट में। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा, उसे पूछने से मैं पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये आपके सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मुझे आप बताएंगे तो मैं भी भाई समझूँ भाई आपकी थोड़ा नॉलेज है, और मैं कुछ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ही ये वीडियो बनाया हो। बाकी आपको मुझे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मुझे इसका आंसर आप बताइए, जो 10वां नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बताइएगा। भारत में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है। वापस बोलता हूँ, भारत में अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली शब्द क्या है और भाषा भी कौन सी है, ये जरूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगा। सो गाइस, ये मेरे 10 क्वेश्चन थे जो कि मैंने अपने तैयार किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें, कमेंट करें। एंड वीडियो के अंत में आप जो भी मेरे जितने क्वेश्चन आपने सुने उसके आंसर कमेंट जरूर बताइएगा। और भूलिएगा मत, मैं कल की वीडियो में इस सभी के सभी रियल आंसर आपको मैं अपलोड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसका रियल आंसर क्या है। गूगल से भी सेटिस्फाइड करा दूंगा, पर्सनली सेटिस्फाइड कराऊंगा, बाद में कॉल कराऊंगा, वो भी लाइव। सो गाइस चलते हैं।